तो गाइस मेरे को अभी ना इसके हवेली में ना बॉम्ब को जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा। तेरी भैंस की टांग भाई भाई भाई, भाई भागो भागो भागो। ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी, बच गया बच गया बच गया बच गया। ओ भाई 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 भाई, भाई ओ तेरी ऐसी की तैसी। अबे साला गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का योर गेमिंग वर्ल्ड सिटी में। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं एक और न्यू हॉरर गेम, जिस गेम का नेम है गाइस क्रेजी नेबर डार्क सीक्रेट 3D। तो गाइस यार इस गेम में बेसिकली होता क्या, सबसे पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस यार इस गेम में एक टाउन में रहने वाले एक ना 8 साल का लड़का होता है, जो कि गाइस गार्डन में फुटबॉल खेल रहा होता है, और उसे सडनली वहां से एक क्रेजी नेबर मींस पागल पड़ोसी वहां से किडनैप कर लेते हैं। अब गाइस सिंपल से सिंपल टास्क आप समझ ही चुके होंगे कि मुझे इस गेम में गाइस उस लड़के को रेस्क्यू करना पड़ेगा। बट गाइस ये सुनने में काफी ज्यादा सिंपल लग रहा है, बट ये ऐसा है नहीं गाइस, क्योंकि वो जो लड़के को गाइस उस क्रेजी नेबर ने किडनैप किया, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि गाइस उस क्रेजी नेबर ने उस बच्चे को मींस 8 साल के बच्चे को अपने हवेली में बेसमेंट के अंदर किडनैप कर रखा है, और गाइस मेरे को ना वहां से ना उसकी ना की को ना फाइंड करने के लिए बहुत ही ज्यादा पजल को सॉल्व करना पड़ेगा, और गाइस वो क्रेजी नेबर बहुत ज्यादा डेंजरस है गाइस। तो चलते हैं गेम की तरफ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को कर देना एक लाइक और चैनल को कर देना एक सब्सक्राइब। तो चलते हैं गेम में, लेट्स गो। वेलकम टू दी क्रेजी नेबर सिटी। तो गाइस अभी फिलहाल मैं सोकर उठ चुका हूँ अपने हाउस से गाइस, और मैं चारों तरफ इधर उधर देख रहा हूँ। ऑल राइट गाइस, फिलहाल मैं अपने बेड से सोकर उठ चुका हूँ। फिलहाल गाइस मेरा इस गेम में ना बेड काफी ज्यादा खूबसूरत है, और गाइस फिलहाल तो यहाँ पे विंडो वगैरह रखे हुए हैं, और यहाँ पे एक ड्रॉवर है। फिलहाल तो गाइस इस ड्रॉवर को मैं ओपन नहीं कर सकता फिलहाल। तो गाइस अभी ना इस घड़ी में 10:24 हो रहे हैं, तो फिलहाल गाइस मेरे को ना अभी ना यहाँ से बाहर निकलने चाहिए, और सबसे पहले ना गाइस मेरे को ना उस क्रेजी नेबर का हाउस को ढूंढना चाहिए। फिलहाल तो गाइस इस टाउन में काफी सारे हाउस है जो कि एकदम सिमिलर से लग रहे हैं। फिलहाल तो गाइस मुझे अभी क्रेजी नेबर का हाउस किधर मिलेगा वो मुझे एक्सप्लोर करना है। फिलहाल तो मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। तो गाइस सबसे बड़ी बात, मेरे को ना यहाँ पे ना कोई ना डिफरेंट हाउस मिलेगा जहां पर ना वो क्रेजी नेबर रहता है, और उसी ने गाइस एक बच्चे को किडनैप कर रखा है अपने हवेली के अंदर। फिलहाल तो गाइस यहाँ पे ना सिमिलर से हाउस है, इस टाउन में रहने वाले जो लोगों का हाउस है वो काफी ज्यादा सिमिलर है, बट एक गाइस मेरे को काफी ज्यादा डिफरेंट महल दिख रहा है जो कि मुझे मेरे आगे में दिख रहा है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गाइस ये क्रेजी नेबर का हाउस है, और फिलहाल गाइस इसी महल के अंदर वो क्रेजी नेबर रहता है, मींस पागल पड़ोसी रहता है गाइस, जिसने एक बच्चे को किडनैप कर रखा है इस हवेली के अंदर। फिलहाल तो गाइस इस महल का ये गैराज है, जिस गैराज के अंदर हमें जाना तो बनता है। फिलहाल तो गाइस इस गैराज में एक कार पार्क है, और ये कार गाइस ओपन नहीं हो पा रहा, तो मेरे हिसाब से गाइस मेरे को ना इसको ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल तो गाइस यहाँ पे एक जनरेटर का मशीन रखा हुआ है। फिलहाल यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ते हैं, और यहाँ पे एक डोर है, इस डोर को ओपन करने की कोशिश करते हैं, बट ये गाइस लॉक्ड है अदर साइड से। तो गाइस मेरे को सबसे पहले यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, और गाइस यही है शायद, मेरे को जहाँ तक लगता है यही महल है जिस महल के अंदर में क्रेजी नेबर रहता है। फिलहाल गाइस ये शायद से यहाँ का ना एंट्रेंस है, इस एंट्रेंस के अंदर चलते हैं। यहाँ पे एक डोर है, तो फाइंड रेंच टू अनस्क्रू दिस नट। तो गाइस देखो यहाँ पे एक डोर है, जिस डोर के ऊपर एक नट लगा हुआ है, इस नट को ना रिमूव करने के लिए मेरे को रेंच की नीड है। और गाइस शायद से मैंने अभी ना इस गैराज के अंदर में एक ना चमकती हुई चीज देखा, और ये शायद से यही है रेंच, तो इस रेंच को मुझे ना पिक करना है। यू हैव कंप्लीट अ टास्क, एन एडवर्टाइजमेंट विल बी शोन व्हेन यू प्रेस कंटिन्यू बटन। ओके, तो गाइस फिलहाल मेरे को ना अभी ना यहाँ से ना एक रेंच मिल चुका है, जिस रेंच के थ्रू गाइस मैं ना अभी ना इसके एंट्रेंस पे जाके ना इस डोर को रिमूव कर सकता हूँ, इस नट को। तो गाइस सबसे पहले मैंने ना इस रेंच के थ्रू ना इस नट को ना रिमूव कर दिया है, और गाइस अभी ना शायद से इस क्रेजी नेबर का ना मेन एंट्रेंस का गेट ना मैंने ना ओपन कर दिया। फिलहाल मेरे को ना यहाँ से आगे चलना चाहिए, और गाइस शायद से ना ये इसका ना ग्राउंड फ्लोर है। और फिलहाल अरे भाई साहब, ओ भागो भागो भागो, तेरी भैंस की टांग। अबे भाई गाइस मैं तो बच गया यार, ओ भाई 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 भाई, भाई। तो गाइस फिलहाल ना यही क्रेजी नेबर है जिसने ना एक ना 8 साल के बच्चे को ना किडनैप कर रखा अपने हवेली के अंदर। फिलहाल तो गाइस ये यहां से ना अभी ना फिलहाल ना ऊपर की ओर जा रहा है। गाइस फिलहाल ना अभी ना क्रेजी नेबर ना ऊपर की ओर जा चुके हैं। गाइस देखो यहां पर ना एक सीक्रेट रास्ता है, जिस सीक्रेट रास्ते को ओपन करने के लिए शायद से मेरे को ना यहां पे ना एक ना लीवर को ना फाइंड करना पड़ेगा। गाइस देखो मेरे को ना इसके घर से ना लीवर को फाइंड करना पड़ेगा, और इस लीवर को यहां पे पुट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू ये ना सीक्रेट रास्ता ना ओपन हो सके, तभी मैं ना इधर से आगे की ओर जा सकूंगा। फिलहाल तो गाइस यहां पर ना शायद से ये ना यहां पर टीवी वगैरह देखता हूं। भाई ये देखो, ये यहीं आ रहा है, यहीं आ रहा है, यहीं आ रहा है, यहीं आ रहा है। ओ भाई भाई
तेरी भैंस की टांग, भागो 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 भागो। ओ भाई साहब मेरे पीछे लगा पीछे लगा पीछे लगा। गाइस मेरे को ना यहाँ से ना सबसे पहले ना ऊपर की ओर जाना चाहिए। ओ भाई साहब इसने अपने ना ऊपर की ओर ना काफी ज्यादा ना खूबसूरत कर रखा है एरिया को। तो गाइस देखो फिलहाल ना गाइस यहाँ पे एक ना डोर है और इस डोर को ना ओपन करने के लिए मुझे ना इस लॉक को रिमूव करना पड़ेगा और ये लॉक ओपन होगा सिल्वर की के थ्रू। तो गाइस यहाँ पे सिल्वर लॉक लगाओ और सिल्वर लॉक को ओपन करने के लिए सिल्वर की को मेरे को फाइंड करना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ और यहाँ पे एक डोर है जिस डोर के ऊपर मैंने गाइस एक प्लैंक रखा हुआ है। इस प्लैंक के ऊपर मैंने नेल लगे हुए यानी कीले और इन नेल को ना रिमूव करने के लिए ना गाइस मेरे को सबसे पहले जो नीड है वो नीड है गाइस क्रोबार की और क्रोबार मेरे को इसी की हवेली के आसपास ही मिलने वाला है। तो गाइस फिलहाल तो अभी ना क्रेजी नेबर ना बाहर की साइड है, यहाँ पे एक डोर है, इस डोर को ओपन करते हैं और यहाँ पर ना गाइस एक और लॉक है और ये लॉक ओपन होगा गाइस हैमर से। फाइंड हैमर टू ब्रेक दिस लॉक। ओके ओके तो गाइस सबसे पहले ओ भाई साहब ओ तेरी ऐसे की तैसी भागो भागो भागो। भाई साहब तुम्हारा भाई तो बच गया गाइस, लगे आती बच गया गाइस, वो तो ऊपर में ही था। भाई साहब बच गया और ये क्या है गाइस, रेडियो इज मिसिंग। ओके ओके तो गाइस अभी ना मेरे को काफी सारी चीजें ना इसके हवेली से ना पता लग चुका है। सबसे पहले ना मेरे को ना एक ना लीवर को ना फाइंड करना पड़ेगा जिस लीवर को ना मेरे को ना सबसे पहले ना यहाँ पे पुट करना पड़ेगा जिसके थ्रू ना ये सीक्रेट रास्ता ओपन हो सके। फिर मेरे को ना ऊपर की ओर जाना है, ऊपर की ओर जाने के बाद ना सबसे पहले ना उस प्लैंक के ऊपर मैंने लगा हुआ नेल होगा। भाई साहब इसने मेरे को देख लिया देख लिया देख लिया, भागो 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 भागो। भाई साहब मैं लगे आती बच गया गाइस। तो गाइस देखो सबसे पहले ना मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मेरे को ना लीवर को ना फाइंड करना पड़ेगा। दूसरी चीज मेरे को फाइंड करनी पड़ेगी सिल्वर की, जिस सिल्वर की के थ्रू गाइस वो सिल्वर का लॉक ओपन हो सकेगा। तीसरी चीज मेरे को ना क्रोबार की नीड है और ये क्रोबार मेरे को अगर मिलेगा तभी मैं ना गाइस अपने गेम को ना आगे बढ़ा सकूंगा ताकि मेरे को ना रास्ता और मिल सके। गाइस फिलहाल तो देखो मेरे को ना अभी ना गाइस लीवर तो मिल चुका है और वो लीवर ना मेरे हिसाब से यहाँ पर रखा हुआ है। तो अभी ना एक काम करते हैं, इस लीवर को पिक करते हैं अपने हैंड में और गाइस अभी ना इस लीवर को ना लेकर चलते लगे हाथी नीचे। सबसे पहले ना गाइस मैंने ना इसको ना लीवर को पिक कर लिया और गाइस ये पता यहाँ से भी आ जाता है। तो अभी एक काम करते हैं, इस लीवर को मेरे को यहाँ पे पुट करना है जिसके थ्रू ना ये सीक्रेट रास्ता ओपन। भाई साहब ओ भाई 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 भागो 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 भागो। ओ भाई साहब मैं लगे हाथी गाइस बच गया, सच बता रहा हूँ। ओ भाई साहब ये गाइस मेरे पीछे पड़ चुका था। गाइस पहला टास्क हमने ना अपना ना मिशन को कंप्लीट किया कि मेरे को ना अभी ना एक लीवर मिला जिस लीवर के थ्रू मैंने ना अभी सीक्रेट रास्ता को ओपन कर पाया। ठीक है तो गाइस अभी ना ये ना लगे आती ना अभी ना ऊपर की ओर जा चुका है। अभी गाइस देखो मेरे को ना सबसे पहले क्या करना, गाइस यहाँ पे एक डोर है जिस डोर को ओपन करने के लिए शायद से मेरे को यहाँ पे ना कोड की नीड है। तो गाइस देखो अभी ना मेरे को कोड भी फाइंड करनी पड़ेगी इसी के हवेली के अंदर। फिलहाल तो गाइस ये मैं पता नहीं कहाँ पर आ चुका हूँ और ये गाइस कितना ज्यादा खूबसूरत हाउस है। फिलहाल तो गाइस मेरे को ना अभी ना उस बच्चे को ना रेस्क्यू करना पड़ेगा। फिलहाल तो गाइस मैं पता नहीं कहाँ कहाँ आ चुका हूँ, ये शायद से इस हवेली का शायद किचन एरिया है और यहाँ पे गाइस इसका किचन कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से मैं शायद से ना विंडो के थ्रू ना आर पार भी देख सकता हूँ। यहाँ पे एक डस्टबिन रखा हुआ है जिस डस्टबिन को हम लोग ना ओपन नहीं कर सकते। फिलहाल तो यहाँ से ना सबसे पहले ना इस डोर को ना ओपन करते हैं और यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। फिलहाल तो गाइस ये कितना आलीशान सा इसका हवेली है और यहाँ पे बेड रखा हुआ कितना ज्यादा शानदार लग रहा है। एक काम करता हूँ मैं ना इन दोनों के दोनों डोर को भी ओपन कर देता हूँ ताकि वो आए अचानक से और सडनली जैसे ही आए मैं यहाँ से ना रेस्क्यू कर पाऊँ। फिलहाल तो गाइस यहाँ पे एक चीज चमक रहा है, एक काम करता है हम लोग तीनों के तीनों ड्रोवर को ना ओपन करते हैं और गाइस यहाँ पर देखो मेरे को एक आइटम मिला, इस आइटम का नेम क्या। ओके तो गाइस मेरे को ना अभी ना क्रोबार मिल चुका है जिस क्रोबार के थ्रू गाइस मैं ना उस प्लैंक के ऊपर लगे हुए नेल को रिमूव कर सकता हूँ। भागो 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 तेरी भैंस की था। एक काम करूंगा कि मैं ना यहाँ से ना इस डोर को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से ना दिल लगे आती हूँ ऊपर की तरफ आते हो। भाई साहब ये तो मेरे पीछे लगे पीछे लगे पीछे लगे पीछे लगे, भागो भागो भागो। ओ भाई साहब मैं गाइस लगे आती ना ऊपर की तरफ भाग जाता हूँ क्योंकि मेरे ना पीछे लग चुका पीछे लग चुका पीछे लग चुका। भाई साहब मैं लगे आती बच चुका हूँ। एक काम करते हैं इस क्रोबार के थ्रू मेरे को ना अभी ना इस प्लैंक्स के ऊपर लगे हुए नेल को ना रिमूव करना है और सबसे पहले इस गेट को ओपन करना है। फिलहाल तो गाइस मैं ना अभी ना नए एरिया में आ चुका हूँ जहाँ पर एक बाथटब रखा हुआ है और गाइस यहाँ से ना क्रेजी नेबर ना आ जाए। और गाइस देखो मैं ऊपर वाले एरिया में तो आया हूँ, यहाँ पे एक टॉयलेट रूम भी पड़ा हुआ है जिस टॉयलेट रूम को मेरे को ना ओपन नहीं कर पा रहा और यहाँ पे दो दो वार्डरोब रखा हुआ है इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे ये कौन सा आइटम। ओके तो गाइस अभी ना मेरे को ऊपर वाले एरिया से ना एक हैमर मिल चुका है जिस हैमर के थ्रू मेरे को ना उस ना लॉक को ना तोड़ना है जिस लॉक के थ्रू क्या पता मेरे को कोई आइटम मिल जाए। फिलहाल तो गाइस क्रेजी नंबर यहीं पर है, तेरी भैंस की टांग। भाई साहब ये मेरे को देखे ना, अगर ये मेरे को देखा ना गाइस मैं लग जाती तेरी भैंस की टांग। ओ भाई साहब गाइस इसने मेरे को देख लिया देख लिया देख लिया, भागो 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 भागो। भाई साहब एक काम करता हूँ मैं ना यहीं पर छुपा रहता हूँ एकदम चुपचाप साइलेंट मोड
मोड में। ओके गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मेरे हाथ में ना अभी ना एक ना हैमर लग चुका है, जिस हैमर को ना मेरे को ना अभी ना ऊपर वाले फ्लोर में लेकर जाना है, और इस हैमर के थ्रू ना गाइस मेरे को सबसे पहले ना गाइस उस लॉक को ना तोड़ना है। अभी गाइस देखो सीन क्या है कि ना शायद से ना मैंने, अरे भाई साहब, भाई ये तो गाइस मेरे पीछे लगे भागो 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 भाई साहब, ये कितना ज्यादा डेंजरस है गाइस। सच में लिटरली गाइस मैंने अभी ना दोबारा से बच चुका, और गाइस इस बार ना ये यहीं पर आ रहा है, इसको ना जाने का मौका दे देते हैं। एक बार ये यहाँ से ना निकल जाए तभी हम लोग ना आगे की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल तो गाइस ये ना अभी ना इधर ही अपना ना जिगजैग कर रहा है। फिलहाल मेरे को ना अभी ना यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, और इस हैमर के थ्रू ना मेरे को सबसे पहले ना इस ना लॉक को ना रिमूव करना चाहिए। फिलहाल तो गाइस मेरे को ना अभी ना इस लॉक के ऊपर ना रख रख के दो मार रहा हूँ, और गाइस इसके थ्रू ना मेरे को एक की मिली जिस की का नेम है गाइस सिल्वर की, और गाइस इस सिल्वर की के थ्रू शायद से मैं ना इस गेट को ओपन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इस गेट को हम लोग ओपन करते हैं। ओ गाइस ये देखो मेरे को ना इस वॉल के ऊपर लगे हुए कोड मिल चुके हैं 9375। शायद से गाइस यही एक कोड है जिस कोड के थ्रू मैं ना उस गेट को ओपन कर सकता हूँ। और गाइस यहाँ पर एक गेट है जिस गेट को ओपन करते हो, और गाइस ये शायद से इसका ऊपर का एरिया कितना ज़्यादा आलीशान लग रहा है। फिलहाल तो गाइस मैं ना इसके हवेली में एक ही मकसद से ना गाइस एंटर हुआ, उस बच्चे को रेस्क्यू कराने के लिए। तो गाइस अभी मेरे को उस बच्चे को रेस्क्यू कराना है। फिलहाल तो गाइस यहाँ पर एक डोर है जहाँ पर लिखा हुआ फाइंड एक्सप्लोजिव्स, तो गाइस मेरे को यहाँ पर शायद से धमाका करना है, और धमाका करने के लिए मेरे को शायद से बॉम्ब को ढूंढना पड़ेगा। तो गाइस मेरे को अभी ना इसके हवेली में ना बॉम्ब को जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा। तेरी भैंस की टांग, भाई 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 भागो भागो भागो, तो गाइस अभी तुम्हारा भाई इस गेम को हार चुका है। तो कोई दिक्कत की गाइस ने, अभी गाइस मेरे को ना ऑलमोस्ट ना पूरा रास्ता पता चल चुका। सबसे पहले ना मेरे को अपने हाउस से ना यहाँ से ना बाहर निकलना है, और यहाँ से सबसे पहले ना निकलने के बाद ना मेरे को अभी ना इस किडनैपर की ना हवेली में एंटर करना है। और गाइस इसके हवेली में एंटर करने के लिए सबसे पहले ना मेरे को ना रेंच की नीड पड़ेगी, और रेंच मिलेगा मेरे को गाइस गैराज से, और गैराज में रखा हुआ रेंच को मेरे को ना पिक करना है, जिस रेंच के थ्रू मेरे को ना अभी इसके एंट्रेंस पे जाना है, और इस एंट्रेंस पे जाके मेरे को ना इस नट को रिमूव करना है। सबसे पहले यहाँ से मेरे को रेंच को पिक करना है अपने हैंड में, इस रेंच को मेरे को लेना है। इस रेंच के थ्रू गाइस मेरे को सबसे पहले ना इस डोर को ओपन करने के लिए मेरे को इस नट को ना इससे रिमूव करना पड़ेगा। सबसे पहले गाइस मेरे को ना लगे हाथी ना इस रेंच के थ्रू मेरे को ना इसके नट को ओपन कर देना है। अभी गाइस देखो मेरे को इस सीक्रेट डोर को ओपन करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक लीवर को फाइंड करना पड़ेगा। इस लीवर को यहाँ पे पुट करते ये सीक्रेट रास्ता ओपन हो जाएगा। तो अभी मैं चुपचाप यहाँ से लगे हाथी ना ऊपर की ओर चलता हूँ, और गाइस क्रेजी नेबर शायद से नीचे से ऊपर आ रहा है। मेरे को सबसे पहले इस डोर को ओपन करना है, यहाँ से मेरे को इस ना लीवर को ना पिक करना है, इसके ऊपर रखा हुआ होगा। और गाइस ये अभी ना यहाँ पे हांड रहा है, एक काम करता हूँ मेरे को ना इस लीवर को पिक करके मेरे को यहाँ पे पुट करना है। सबसे पहले गाइस मैं ना यहाँ पे ना इस लीवर को पुट करता हूँ जिसके थ्रू ये रास्ता ओपन होगा। और गाइस यहाँ पर देखो मेरे को ना इस गेट को ओपन करने के लिए यहाँ पर मेरे को इस कोड को एंटर करना पड़ेगा, तभी ये गेट ओपन हो पाएगा। तो गाइस सबसे पहले मेरे को ना इस डोर को ओपन करना है, और यहाँ पर अभी गाइस मैं इसके किचन रूम के एरिया में आ चुका हूँ। सबसे पहले इन दोनों डोर को ओपन करते हैं, और यहाँ से लगे हाथी गाइस सबसे पहले ना मेरे को इन तीनों के तीनों ड्रॉवर को ओपन करना है। एक ड्रॉवर के अंदर से मेरे को क्रोबार मिलेगा, जिस क्रोबार के थ्रू गाइस मैं ना प्लैंक्स के ऊपर लगे हुए नेल को रिमूव कर पाऊंगा, और उस रिमूव करने के दौरान ही गाइस मेरे को सबसे पहले वहाँ से एक हैमर मिलेगा, जिस हैमर के थ्रू गाइस मेरे को बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस पड़ेंगे इसके हाउस में। तो गाइस अभी मैंने ना इस क्रोबार को ले लिया, इस क्रोबार को ना लेकर सबसे पहले ना मेरे को इस ना प्लैंक्स के ऊपर लगे हुए नेल को रिमूव करना है, जिसके थ्रू गाइस यहाँ पर इस डोर ओपन हो सके। तो गाइस अभी सबसे पहले मैंने यहाँ पर अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पर इन दोनों वार्डरोब को ओपन करना है, यहाँ से मेरे को लेना है हैमर, इस हैमर को मेरे को पिक करना है, जिस हैमर के थ्रू गाइस मेरे को ना अभी ना सबसे पहले ना यहाँ पर ना गाइस इस लॉक को तोड़ना है। तो गाइस अभी मैं ना इस ना लॉक को ना ब्रेक करते हैं, यानी इससे मार मार के। फिलहाल गाइस मेरे को ना यहाँ से एक ना सिल्वर की मिले, जिस सिल्वर की के थ्रू एक नया रास्ता ओपन होगा, मींस एक नया डोर ओपन होगा, और यहाँ पर जो कोड है 9375। तो गाइस अभी मेरे को ना 9375 यानी कोड को नीचे ले जाकर ना प्लेस करना पड़ेगा, जिसके थ्रू वहाँ पर एक नया रास्ता ओपन हो सके। तो गाइस अभी फिलहाल तो मैंने यहाँ पर आ चुका हूँ, और अभी अरे भाई साहब, भागो 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 भाई साहब, तुम्हारा भाई तो बच गया गाइस। उन्होंने लगे आते ना गाइस मेरे ना एकदम ना एग्जैक्ट ना नज़दीक था, और जैसे गाइस मैंने उसके पास गया ना तो उसने मेरे को देख लिया। तो अभी गाइस मैं फिलहाल बच चुका हूँ, एक बार मैं ना हार गया था, बट गाइस इस बार ना मेरे को वो मिस्टेक्स नहीं करना जो मैंने ना अभी ना थोड़ी देर पहले किया था। तो गाइस अभी फिलहाल ना वो ऊपर वाले फ्लोर पे है, खड़ा हुआ है, जिम कर रहा है। सबसे पहले मेरे को यहाँ से एंटर करना है, यहाँ पर मेरे को ना
कोड को एंटर करना है 9375। तो गाइस मेरे को ना अभी ना इस कोड को एंटर करते ना मेरे को अभी इसकी हवेली के अंदर मींस इस सीक्रेट डोर के अंदर घुसना है। और गाइस देखो यहाँ पे कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं डस्टबिन में। फिलहाल तो यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन है जिसके ऊपर में एक बॉम्ब रखा हुआ। ओ भाई साहब तुम्हारे भाई को ना बॉम्ब मिल गया है जिस बॉम्ब के थ्रू गाइस मैं ना वहाँ पे ना धमाका कर सकता हूँ और उस धमाके के थ्रू गाइस मेरे को ना शायद से कोई ना कोई आइटम्स मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरे को क्या पता वो धमाके के थ्रू करते ही मेरे को क्या पता रेडियो मिल जाए और रेडियो को यहाँ पे प्लेस करते क्या पता कोई नया रास्ता ओपन हो जाए। फिलहाल तो गाइस क्रेजी नेबर यहीं पर भाई साहब कितना ज़्यादा डेंजरस है। फिलहाल तो गाइस ये अभी ना यहाँ से ना मुड़ के ना आगे की ओर जा चुके हैं। मेरे को सबसे पहले इस बॉम्ब को ना लेकर ना ऊपर वाले फ्लोर पर जाना है उस नए रास्ते में लगाना है। तो गाइस अभी ना सबसे पहले ना मैं ना जिगजैग करता हुआ ना इस डोर को सबसे पहले ओपन करते हैं और यहाँ पर मेरे को अभी ना इस बॉम्ब को ना प्लेस करना है। तो गाइस ये देखो भाई साहब ये तो एकदम भाई ब्लास्ट हो गया। और गाइस ये देखो यहीं पर मेरे को मिला गाइस एक रेडियो जिस रेडियो के थ्रू मेरे को ना अभी क्या पता कोई आइटम्स मिल जाए मींस क्या पता वो बच्चा ही मिल जाए मेरे को। तो अभी ना मैं एक काम करता हूँ इस रेडियो को लेकर चलते हैं। और गाइस अभी पता नहीं क्रेजी नेबर कहाँ पर होने वाला है गाइस मेरे को कोई अंदाजा नहीं है। फिलहाल एक काम करते हैं मेरे को ना यहाँ से ना आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और गाइस क्रेजी नेबर पता नहीं क्या है। तो एक काम करते हैं यहाँ पर मेरे को इसको पुट करना है देन यहाँ से एक रास्ता ओपन हो चुका है। और गाइस फाइनली यही एक चाइल्ड है जिस चाइल्ड को मेरे को यहाँ से रेस्क्यू करना था इसके हवेली के अंदर से। तो गाइस फाइनली मैंने इसको यहाँ से एस्केप कर दिया। और गाइस अभी तो वो बच्चा ना यहाँ से ना निकल जा चुका है। और गाइस अभी ना सबसे पहले मेरे को भी यहाँ से रेस्क्यू करना पड़ेगा। तो गाइस यार मैं फाइनली इस बच्चे को इस क्रेजी नेबर के चकमे से चुराते हुए निकाल चुका हूँ गाइस। फिलहाल तो गाइस हम दोनों यहाँ से निकल चुके हैं। तो आई होप गाइस आपको आज की गेम प्ले वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो पर कर देना एक लाइक्स और चैनल पर एक जाकर वीडियो पर एक जरूर कर देना है कमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय सी यू टाटा टेक केयर।